दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं नासिर और मेरे पास ये लिनोवो का LV 115 का मॉडल है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 15277 बहुत तरह के नाम से आता है, और इसमें ग्राफिक वाला भी बोर्ड आता है और नॉन ग्राफिक वाला भी बोर्ड आता है। और अनफॉर्चुनेटली सेम बोर्ड का डायग्राम नहीं है, और अभी मैं दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर ग्राफिक का जगह दिया हुआ है तो थोड़ा सा ढूंढने में दिक्कत होगी, बट हम लोग कोशिश करते हैं इसको रिपेयर करने के लिए। अब प्रॉब्लम क्या है इसके अंदर, तो जैसा कि मेरे पास इसमें लिखा हुआ आया हुआ है कि ये नॉट ट्रिगरिंग है, यानी ये नॉट ऑन है, ऑन नहीं हो रहा है, ट्रिगर नहीं हो रहा है। तो आप नज़र रखिए एम्पेयर पर और वोल्टेज पर, बस ये हमारी मतलब हमारा काम होता है कि हम इससे भी कुछ गेस कर लेते हैं। तो इसका डीसी जैक नहीं भेजा है, तो मैंने जुगाड़ से ऑन किया है इसको, यानी डीसी जैक बना लिया है, और पावर डालते ही 106 मिली एम्पेयर का लोड ये लेने लगा, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। तो ऐसे में क्या होता है, कुछ मैंने बोर्ड पर थोड़ा ध्यान दिया तो देखा कि 3-5 के आईसी के पास काम हुआ हुआ है, और मैं एक बार ग्लव्स उतार करके चेक करता हूँ इसको। ठीक है, तो आप सोचिए कि वो 105 मिली एम्पेयर का लोड वो सिर्फ और सिर्फ 3-5 की आईसी के पास आ रहा है, और ये एक कॉमन इशू है जो बोर्ड में आती है। अब थोड़ा सा क्लोज करके मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो बोर्ड आया, तो बोर्ड आने से पहले इसका कंडीशन क्या था। तो आइए ज़रा सा देखिए क्या क्या किया है बंदे ने, बारिश क्या है, नहीं क्या है, बहुत अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। क्या है लगता है, हाँ कर दिया है। कैसे पता चला, देखिए ये प्लास्टिक यहाँ पर मेल्ट दिख रहा है, मतलब ये देख के तो लग रहा है सफाई एकदम बहुत अच्छा सफाई है, एकदम सफाई से चेंज किया, बट ये प्लास्टिक यहाँ पर मेल्ट हो गया है, यानी यहाँ पर हीट लगा है। हीट तभी मारते हैं जब हम किसी चीज़ को निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पर प्लास्टिक यहाँ पर मेल्ट हो गया है, यानी यहाँ पर बायोस किया हुआ है एक। फिर उसके बाद 3-5 की ऐसी भी चेंज करी गई है, तो जाहिर सी बात है जैसा कि मैं आपको बार बार बताता हूँ कि ये एक कॉमन धंधा है लोगों का कि आईसी गर्म हो रही है, आईसी चेंज करो। बिल्कुल ख़राब हो सकती है, लेकिन क्या सिनेरियो हुआ, इस बंदे ने 100% आईसी चेंज करी है, बट प्रॉब्लम जैसी की तैसी है, तो उठा के भेज दिया कि भैया आप 10 बार भी चेंज कर लीजिएगा, क्योंकि आईसी तो अगर मान लीजिए आईसी की प्रॉब्लम नहीं निकली तो आप क्या करेंगे फिर। तो आपको समझ में आना चाहिए कि बोर्ड का आर्किटेक्चर क्या है, बोर्ड किस तरह से बनाया गया है, बोर्ड में पहले क्या चलेगी फिर क्या चलेगी वगैरह वगैरह, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा रिसर्च करेंगे बोर्ड के ऊपर कि बोर्ड किस आर्किटेक्चर का है। तो हम आपको ले के चलते हैं डायग्राम के ऊपर। तो हम सबसे पहले RTC को सर्च कर रहे हैं, क्योंकि 3-5 गर्म होने में सबसे बड़ा हाथ RTC का होता है। तो क्या RTC हमारी शॉर्ट है, बस ये बात हमें ढूंढना है और पता करना है कि क्या मेरी RTC, इतना क्यों ढूंढ रहा हूँ, ऐसे तो मुझे जहन्नम तक लेके चला जाएगा ये, ठीक है। इसी को कॉपी कर लीजिए और पेस्ट करिए। तो ये कहाँ बनी है भाई साहब, ये बनी है क्यू, अरे डी को क्यू लिख रहा है ये, कोई बात नहीं, ये लिख रहा है क्यू 2501 लोकेशन, देख लेते हैं क्यू 2501। ये क्यू 2501 है, बट है ये डायोड यहाँ पर ऐसे दिखा रहा है मेरे बोर्ड में, ये कहाँ पर है ये देखिए, ये दिखा रहा है बट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, लोकेशन मैच नहीं कर रहा है। और इसको भी कुछ करके देखा गया है, मतलब बंदे में जानकारी है, ठीक है, मतलब निकाल निकाल करके कुछ ना कुछ। अच्छा, ये लीड पर भी कुछ कर किया गया है, यहाँ पर भी लीड को, ये हॉल के नाम से जो होता है, हॉल स्विच या लीड स्विच, ठीक है, तो इसको भी चेक किया गया है। तो हम भी ये ज़रा चेक करते हैं, अभी तो पावर डाला था तुरंत, तो तुरंत नहीं चेक करना चाहिए, बट मैं आपको करके दिखाता हूँ क्या होता है, कभी कभार शॉर्टिंग रहती है, ठीक है, किलो में। ये क्यों खामखा चेंज किया गया था भाई, या निकाली गई होगी, ठीक है, निकाल निकाल के देखते हैं, अच्छी बात है, ऐसे ही कोशिश करते रहिए, इंशाल्लाह एक दिन आप भी सीख जाएंगे, ठीक है। ये हम चेक कर रहे हैं इसकी आउटपुट पर क्या बन रही है, VCC ऑक्सिलरी, यही है, यही वोल्टेज है, RTC ऑक्सिलरी S5। और इसको डायग्राम में हम वेरीफाई कर लेते हैं, ये है जिसको हम ढूंढ रहे थे।
तो ये वोल्टेज सही सलामत बननी चाहिए। तो पावर डाल के देख लेते हैं, थोड़ा सा गर्म होगी तो होगी, बट हमें क्लियर तो हो जाएगा कि वोल्टेज बन रही है कि नहीं, क्योंकि अगर आरटीसी शॉर्ट तो फिर सिवाय सीपीयू के और कुछ नहीं बचता है। तो ठीक है, हमने पावर डाल दिया है और आपको भी दिखा देता हूँ, हमें सिर्फ टारगेट पर चेक करना है, हमें सिर्फ टारगेट पर चेक करना है कि यहाँ पर वोल्टेज बन रही है कि नहीं। तो वोल्टेज तो हमारी आरटीसी बन रही है, तो यानी आरटीसी में तो प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है, तो खामखा इसको निकालने से क्या फ़ायदा। नहीं, आरटीसी का काम क्या है कि इस तरफ 3.3 वोल्ट एलडीओ आ रही है, तो इस यहाँ पर चेकिंग करने से मुझे एक कन्फर्मेशन मिल गया कि मेरी एलडीओ नहीं शॉर्ट है बोर्ड के अंदर। देखिए, एक तरफ एक पिन पर आरटीसी की सप्लाई आ रही होगी, तो यहाँ पर रजिस्टर होता है 1 किलो की, है ना, 1 किलो की रजिस्टर होता है, तो यहाँ पर अभी 0 वोल्ट होगा चूँकि आरटीसी सेल नहीं लगा हुआ है। और इस तरफ 3.3 वोल्ट एलडीओ आ रही है, बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, और इस तरफ हमें 3 वोल्ट आरटीसी निकल रही होगी जो कि परफेक्ट है। तो आरटीसी की तो यहाँ पर दिक्कत है ही नहीं, तो फिर निकालने से क्या फ़ायदा। इसलिए तुक्के से काम मत करिए, सीख लीजिए। और हमारा अभी नया ऑफलाइन का बैच तो अभी स्टार्ट हो चुका है और ये काफ़ी आगे निकल चुका है ये बैच। और अगर नया बैच आपको ज्वाइन करना है ऑफलाइन का, तो वो सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। और एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं आप लोगों को कि अगस्त ऑफ़र का बहुत सारे लोग बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, तो ये आपके लिए हाजिर है कि जिसके अंदर टाइप सी का कंसेप्ट थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल आपको इसके अंदर मिलेगा। गेमिंग लैपटॉप का पूरा कंसेप्ट होगा इसके अंदर, और लेटेस्ट जो 400 एंड 500 सीरीज, जो 10 11 जनरेशन में जो यूज़ होती है पीसीएच, उसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ाया है। और जो केस स्टडी मैं बनाता हूँ, कुछ आप लोगों के लिए बनाता हूँ, कुछ बाकी पेड केस स्टडी होते हैं, वो आपको इसके साथ वीडियो के साथ रहेंगे। अराउंड 400 वीडियोस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे विथ 25% ऑफ के साथ। इसलिए बहुत सारे लोग इंडिया में और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, नेपाल में लोग इंतज़ार करते रहते हैं हमारे इस कोर्स का। तो ये चूँकि हम लोग 15 अगस्त को ही लॉन्च करते हैं, लेकिन अभी से आप इसको बुक करा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी लिमिटेड कुछ ऑफर्स होते हैं, वो उसका बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो जो आपको नंबर नीचे दिया हुआ है वहाँ पर से आप इंक्वायरी कर सकते हैं आप इसके लिए नीचे दिलदार सरकार, मेरा नंबर जो दिख रहा है व्हाट्सअप, अगर आप कॉल नहीं पिकअप कर सक रहे हम लोग तो माफ़ी चाहूँगा, आप लोग हमें व्हाट्सअप कर लीजिए तो आपको उसका जवाब इंशाल्लाह ज़रूर मिल जाएगा। चलिए बैक टू केस स्टडी। तो यहाँ पर हमें 3.3 वोल्ट ऑक्सिलरी मिल रही है, ऑक्सिलरी S5 RTC। ये एरिया प्रॉब्लम का नहीं है, कंफर्म हो गया कि इधर से 3.3 वोल्ट आ रही है और इधर निकल रही है, बट फिर भी 3-5 गर्म हो रही है, क्या रीज़न होता है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भी है कि ऐसा जब केस आता है जिसके अंदर आपको 3-5 ऐसी गर्म होती हुई मिलेगी, तो जिसमें आरटीसी का भी प्रॉब्लम होता है, बिल्कुल सही बात है। ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है, लेकिन आप जब कंसेप्ट के पीछे पड़ जाते हैं कि आपको क्या चाहिए, यहाँ यहाँ वोल्टेज चाहिए था, इन भी हो रही है और यहाँ से आउट भी हो रही है, तो फिर क्यों यहाँ पर हम रुके। दूसरा चीज़ देखते हैं, चूँकि नोवोटोन की आईसी लगी है, एक बार गौर से देख लीजिए, इसके अंदर नोवोटोन की आईसी लगी है, तो 285, तो 285 में पीएसएल लॉजिक यूज़ किया जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो आप सिर्फ डायग्राम में टाइप करिए PSL, तो आपको दिख गया यहाँ पर कि PSL लॉजिक यूज़ हुआ है इस बोर्ड के अंदर, ठीक है। तो आपका PSL लॉजिक सही है या नहीं है उसको भी आप वेरीफाई कर लीजिए। तो इसके लिए आपको दो ही चीज़ है कि ऑन ऑफ बटन है और ACO की सिग्नल है। अगर ये दो चीज़ें अगर सही सलामत यहाँ पर पहुँच जाती है, ये है पॉइंट, अगर ये दो चीज़ें सही सलामत पहुंच जाती हैं आयो के पास, तो आयो एक आउटपुट निकालेगा जो PSL आउट होती है और यहाँ पर आएगी और ऑक्सिलरी वोल्टेज को 3D3 ऑक्सिलरी KVC बना देगी, तब आयो की आपकी VCC पूरी होगी, ठीक है, या आयो की VCC अभी नहीं आई है। तो ये हम वेरीफाई करेंगे कि ये कहाँ है, और इसी के साथ साथ एक ही तीर से दो शिकार हो रहा है यहाँ पर, दो शिकार करने के लिए एक ही सिग्नल को यूज़ किया गया है। इससे आपकी जो ये अनेबल लो आएगी, लो अनेबल से आपकी 3 वोल्ट LDO से 3 वोल्ट KVC बन जाएगी, साथ साथ यही लो यहाँ पर आएगी जिससे S5 अनेबल होगी,
इसके अंदर iOS 5 एनेबल नहीं निकालती है, बल्कि ये इसका मतलब पुल अप कहीं पर से भी ले लेता है, ओपन ड्रेन होती है यहाँ पर ये। अब ओपन ड्रेन क्या होता है, इसके लिए तो आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा कि कैसे ओपन ड्रेन काम करता है, क्या होता है क्लोज ड्रेन वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसको चेक करेंगे हम Q2402, कहाँ पर है लोकेशन जरा देख लेते हैं, Q2402 दिखाया ही नहीं है, तो इसमें तो दिखाई नहीं रहा है। ठीक, इसको हम ऐसे ढूंढ लेंगे। ठीक है, इसको ऐसे इस तरह से ढूंढ सकते हैं कि आपके बोर्ड में ढूंढिए कि IOVCC कहाँ से पारी होगी, तो एक कोई रजिस्टर होगा। तो आइए अब हम लोग डायग्राम की तरफ आते हैं, इधर बोर्ड की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर ये पीछे इसके IO है और 2R2 लगा रखा होता है VCC के लिए जनरली सारे बोर्डों में। तो ये देखिए 2R2 हमें यहाँ पर दिख गई। अब ये 2R2 पर वोल्टेज कहाँ से आ रहा है, किस ट्रांजिस्टर से आ रहा है, वो पी चैनल की मॉस्फेट होगी, यहाँ से भी पता कर सकते हैं। यानी बहुत सारा चीज़ एक्सपीरियंस चाहिए होगा आपको, प्रैक्टिस करके इंशाल्लाह हो जाएगा। ठीक है, K72 तो एन चैनल होती है, ये है पी चैनल। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉपर वोल्टेज चाहिए और एक LDO होगी यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ बननी है IO की वोल्टेज। ये हो गई IO की वोल्टेज। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ IO की वोल्टेज हो गई। और ये वाला पिन एक इसका देखना है कि LDO कौन सा, अब इस दोनों पिन में से हमें पता करना है, इस दोनों पिन में से हमें पता करना है कि LDO कौन सा है। तो मेरी 3-5 की IC तो यहीं पर है। ठीक, तो मैं एक एक करके दोनों पर रख के चेक कर लेता हूँ। ये है 3 वोल्ट LDO, ये देखिए बीप आ रही है, तो यानी ये हुआ पिन LDO का, यहाँ से यहाँ बन के जाएगी, ये लो चाहिए। ठीक है, हो गया क्लियर, कुछ था ही नहीं। PSA लॉजिक के लिए डायग्राम थोड़ी ज़रूरी है। तो हमें यहाँ पर लो चाहिए, जब मैं पावर डालूँ थोड़ा देर के लिए गर्म होगा, कोई बात नहीं गर्म हो जाओ। तो हमने पावर डाला, देखिए लोड कितना ज़्यादा है, 107, और हाथ जला देगा, ये काफ़ी है हाथ जलाने के लिए। तो यहाँ पर लो चाहिए, तो ये लो आ रहा है कि नहीं देख लेते हैं। ये तो ओपन है, हाँ वोल्टेज पर कर दिया मैंने और बिल्कुल लो आ रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट सही है एकदम ये। और इस तरफ LDO की वोल्टेज है और इस तरफ IO की VCC भी आ गई। यानी ये पी चैनल था, लो रिक्वायरमेंट थी, लो आई, तो हमें ये LDO को इसने इस तरफ से इस तरफ भेज दिया, यही काम था इसका पी चैनल का। अब बात रही कि हमारा RTC ओके है, हमारा PSA लॉजिक भी ओके है, तो फिर क्यों गर्म हो रही है भाई। और अगर हम 3-5 की बात करें, हमें अभी कुछ नहीं चेक कर रहे हैं, सिर्फ चेक कर रहे हैं कि इसके अंदर VCC आई होगी। तो VCC आने के बाद क्या होता है आपको पता है, LDO निकलती है 3.3 वोल्ट, और क्या होता है 5 वोल्ट निकलती है 13 नंबर से, वो भी देख लेते हैं 4.9 वोल्ट, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई भी तकलीफ नहीं है। रीजन जो हमने चेक कर लिया, मतलब जो आपकी LDO की वोल्टेज थी VRange 3 VRange 5, वो चेक कर लिया हमने, नेक्स्ट क्या चेक करें। तो इसके अंदर तो अनेबल होती नहीं है अलग से, ट्रिप होती है। तो एक और, तो यहाँ 3 वोल्ट है, अब कंफर्मेशन करना होगा, और 5 नंबर है ट्रिप 1.5 वोल्ट। जरा देखें कि कितना वोल्टेज है ट्रिप पर, अगर ट्रिप हमें मिल रही है तो वोल्टेज मिल जाना चाहिए आउटपुट पर। तो वोल्टेज देखें, वोल्टेज 1 वोल्ट, और इधर वोल्टेज 0.6। तो हमें LDO तो परफेक्ट है, बट S5 की वोल्टेज नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है ना, 1 वोल्ट है। तो देखिए, आप जब मल्टीमीटर से किसी चीज़ को चेक करते हैं, तो देखिए इस तरफ कितनी आ रही है भैया, ये भी 1 वोल्ट है। ठीक है, आप इसको बोलेंगे कि नहीं है, नहीं है। ठीक, अब आपको मैं दर्शन कराता हूँ DSO का। ठीक है, और ये मेरा कैप्चर मोड पर रेडी है, जो मेरा DSO है, सॉरी MSO है, और मैं इसमें सिग्नल कैप्चर करने जा रहा हूँ। और पावर को मैंने ऑफ कर दिया है और मैंने ये लगाया, अच्छे से देखिए, ऐसे तो मुझे भी लगता है कि मज़ा नहीं आ रहा होगा। तुम पीछे जाओ। हाँ,
ये? अच्छा, ये तो ग्राउंड है। तो एक साथ सब चीज़ देख लेते हैं हम लोग। ये आपको मैं DSO दिखा रहा हूँ, और इसको हमने रखा 3 वोल्ट की साइड, 1 वोल्ट पर डिवीजन है, 500 मिली सेकेंड है, ट्रिगर 1 वोल्ट पर रखा है, टाइम ट्रिगर को भी हमने थोड़ा सा खोपचे में लेके गए हैं। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। तो ये क्या था? ये है एक्सपोनेंशियल फॉल्ट डाउन। अब बताइए वोल्टेज कितनी थी? वोल्टेज थी, अगर मैं आपको बताऊं तो 1 2 3, 3.3 वोल्ट बन के गिरा है। और गिरने का डिज़ाइन है एक्सपोनेंशियल फॉल्ट डाउन। और कहाँ तक गिरा है? गिरा जीरो भी नहीं है, गिरा है ये 1 वोल्ट तक। 1 वोल्ट एकदम कंटिन्यूअस फिर आपको दिख रहा है, 1 वोल्ट पर डिवीजन हमने टाइम सेट किया हुआ है, तो 1 वोल्ट पर डिवीजन दिख रहा है। इसी को कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉल्ट डाउन, जो लीकेज का वजह हो सकता है। इसमें कैपेसिटर लीक हो सकती है, आईसी भी खराब होती है, मॉसफेट भी खराब हो सकता है, वगैरह वगैरह चीज़ें हो सकती है। तो सबसे ज़्यादा चांसेस होगा कि आपका जो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर है वो आपकी खराब हो गई होगी। 5 वोल्ट भी क्या ऐसे कर रहा है, ज़रा देख लेते हैं। तो हम लोग 5 वोल्ट पर रखते हैं यहाँ पर और ऑन करते हैं। पहले एक बार ट्रिगर सेट कर लेते हैं इसको और ऑन करते हैं। तो देखिए 5 वोल्ट भी बेचारा कोशिश कर रहा था ऑन होने की, बट किसी वजह से, बारिश की वजह से ये ऑफिस नहीं जा पाया, मतलब अपने 5 मकाम तक नहीं पहुंच पाया। इसको जाना था कहाँ तक? 1 2 3 4 5 ऊपर तक जाना था। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम। अभी मैं फिर से मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉल्ट डाउन कैसा दिखता है। अब हम लोग चेक करने वाले हैं फिर से 3 वोल्ट को। ठीक है, तो 3 वोल्ट ऑन करते ही ये आपको बार बार आपको यही चीज़ दिख रहा है। तो ये एक प्रॉब्लम है जो गर्म कर रहा है 3 5 को। अब वो क्या चीज़ है? तो वो हो सकता है कि आपका कैपेसिटर भी हो, तो लीकेज है। ठीक है, तो कैपेसिटर को हम तोड़ के निकाल देते हैं और इसकी जगह पर कुछ दूसरा चीज़ लगाते हैं। ये भी हो सकता है खराब, दूसरा वाला भी हो सकता है। कैपेसिटर एक ऐसा चीज़, अभी मैं वैल्यू भी चेक कराऊंगा आपको, फेंकता नहीं हूँ इसको। इसको यहीं पर रखते हैं हम लोग और इसको अभी हम चेक करेंगे। जब हमारा बोर्ड प्रॉपर ठीक हो जाएगा तब तो हम चेक करेंगे कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा था ये भाई साहब। मेरा आयरन थोड़ा खराब हो गया है, अब दूसरे वाले को गर्म होने में टाइम लगेगा। इसका निडल टिप जो है इसका चेंज करने की ज़रूरत है। ऑफिस से लाना भी भूल जाता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा सा कुछ तो काम चला ही लेंगे जब तक वो गर्म हो जाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी मैं एक निकालता हूँ कैपेसिटर। तो यहाँ पर मैं निकालने वाला हूँ ये 330 का कैपेसिटर। तो वो ड्रम की जगह पर आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, यहीं पर निकाल लीजिए, सबसे अच्छा जगह यही है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग ऑफलाइन सीख रहे हैं अभी अभी के बैच में, प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, मिल्खा सिंह बन जाइए, रात हो दिन हो दौड़िए। तो जितना आपको ऑफिस में टाइम मिलता है वहाँ पर प्रैक्टिस करिए, और जहाँ पर आप रह रहे हैं वहाँ पर ही कोशिश करिए कि 2 4 सामान आपके पास हो, ज़्यादा कुछ नहीं हो। मल्टीमीटर ना भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉट गन और आयरन रखिए, ये आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि आपको मैं ये बात तो सिखा दूंगा कि डायग्नोज कैसे करते हैं, बट चेंज आप ही को करना होगा। ठीक है, चाहे आप मेरे सेटअप पर प्रैक्टिस करिए या कहीं भी करिए, चेंज आपको करना होगा। कॉन्फिडेंस आपको तभी आएगा जब आपको अच्छे से आईसी वगैरह निकालना लगाना आता होगा। छोटी आईसी से लेके बड़ी आईसी, हर तरह की आईसी, इसमें उल्टा सीधा देख लीजिएगा, नहीं तो वैसे भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जिधर मार्किंग है कैपेसिटर के ऊपर, वो कॉइल साइड की तरफ यानी पॉजिटिव है वो। तो इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर जो लोग ऑनलाइन वीडियो कोर्स में सीखा है
प्रैक्टिस उसे खुद ही करना पड़ता है, वहाँ सिर्फ वो लोग थ्योरी सीखते हैं कि कैसे काम होता है, और केस स्टडी मैं बताता हूँ जैसे अभी बता रहा हूँ मैं। बाकी जो प्रैक्टिकल होते हैं या जो प्रैक्टिसेस होते हैं वो तो उसे खुद ही करनी पड़ती है। तो अब भी ज़्यादा जल्दी कवर करने के लिए, ठीक है, ज़्यादा जल्दी कवर करने के लिए, हमारे बोर्ड को ठीक करने के लिए आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। वो आपके ऊपर है, आप अगर थोड़ा सीरियस नहीं लेंगे अपने आप को कि भाई ये इम्पोर्टेंट टाइम है आपके लिए, तो पैसे तो आप कमाई लेंगे, ठीक है, ज़्यादा महंगा होता भी नहीं है, 2-4 हज़ार रुपये का आयरन होगा, 2-4 हज़ार रुपये का हॉट गन होगा, इतना तो आप इन्वेस्ट कर ही सकते हैं, बाद में ये भी काम आ जाएगा आपको। तो आप जहाँ पर भी रह रहे हैं आप कोशिश करिए कि, अभी तक तो यही चल रहा था, ठीक है, मैं आपको दिखाना भूल गया, इधर थे हम लोग, ये मैंने लगा दिया है, ठीक है, तो पॉजिटिव ध्यान रखिएगा। अब हम लोग कोशिश करते हैं कि जो अभी एक्सपोनेंशियल फॉल्ड आ रही थी, पहले मैं मल्टीमीटर से ही चेक कर लूँगा इसको, फिर डीसी की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर चेक करेंगे, और अभी भी ये गर्म हो रहा है, और ये 1 वोल्ट ही दिखा रहा है, और ये तो दूसरा वाला भी निकाल देते हैं, क्या पता आगे की तरफ कोई तकलीफ हो, अभी तो शॉर्टिंग भी नहीं चेक किया है, तो हो सकता है, इसको भी निकालिए और इसको भी ठीक करिए, यहाँ भी एक कैपेसिटर लगाइए। रन वाला एरिया भी नहीं चेक किया है, अभी सिर्फ और सिर्फ एक गेस से काम कर रहे हैं यहाँ पर, अभी कोई लॉजिक नहीं लगा रहे हैं, सिर्फ और गेस। गेस इसलिए है क्योंकि मैंने आपको बताया कुछ चार्ज हो रहा है और डिस्चार्ज हो रहा है, तो बोर्ड में ऐसा क्या होता है जो चार्ज होता है डिस्चार्ज होता है, तो वो कैपेसिटर होता है, तो इसलिए हम लोग कैपेसिटर को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखे हुए हैं। और कैपेसिटर को हम डीएसओ से चेक करें, सीआरओ से चेक करें, या किसी भी चीज़ से चेक करें, हम नहीं कंफर्म कर पाएंगे कि वो लीक हो चुकी है, शॉर्टिंग तो पता हो जाएगा बट लीकेज नहीं पता कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस यही चीज़ जो आपको दिखाया मैंने, जो डीएसओ से आप पकड़ सकते हैं कि ये फॉल्ट ऑन हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए था, इसको स्ट्रेट रहना चाहिए था, जो कि स्ट्रेट नहीं रह पाया, तो एक्सपोनेंशियल फॉल्ट ऑन 3 वोल्ट वाली हो रही है, और अब हम अब क्या चेंज कर रहे हैं, 5 वोल्ट वाली चेंज कर रहे हैं। दोनों में से कोई भी, ऐसा कभी नहीं होता है कि 3 वोल्ट बन रही है 5 नहीं बन रही है, बहुत रेयर होता है ऐसा, बनेगी दोनों में प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि एक ही रेगुलेटर है ना, ये डुअल रेगुलेटर है, तो जब भी प्रॉब्लम आएगी तो एक साथ ही आएगी, दोनों वोल्टेज में प्रॉब्लम आएगी एक साथ, बनेगी तो दोनों बनेगी, नहीं तो दोनों नहीं बनेगी, या दोनों गड़बड़ करेगी, ऐसा होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक सस्पेंड हो एक ऑलवेज हो, ऐसा हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम जब आएगी तो ऐसा नहीं होगा कि एक वोल्टेज बन रही होगी एक नहीं बन रही होगी, यानी एक पर कैपेसिटर खराब हो गया है तो 3 बन रही होगी 5 नहीं बन रही होगी, ऐसा नहीं मिलेगा। अब कुछ नहीं चेंज करेंगे, उसके बाद हम डायग्नोज करेंगे इसको, अगर इससे ठीक नहीं हुआ तो, ठीक है, दोनों हमने 330 लगा दिया यहाँ पर, अब हम पावर डालते हैं, और अभी भी गर्म हो रहा है, तो अब रुक जाइए, अब इतना नहीं करना है ज़्यादा। अब यहाँ पर से, यानी ये एक प्रॉब्लम मैंने आपको दिखाया कि वोल्टेज बन रही है गिर जा रही है, अब देखते हैं शॉर्टिंग कहाँ पर है। तो ये है रन का एरिया, लोड स्विच, लोड स्विच में कितना बता रहा है ये, 10 ओम, इधर कितना बता रहा है, ये 10 ओम क्यों बता रहा है, एक तो जो 5XIC लगाई है उसी पर मुझे शक है, ठीक है, चलिए मान लेते कि भी सही है, 170 13, बहुत धीरे धीरे बढ़ रही है ये, तो हटाइए, पावर हटा दिया है, और हम 14, बहुत स्लो स्लो बढ़ रही है, और इस बंदे ने, अब मैं थोड़ा सा आपको क्लोजअप कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा मैं क्लोजअप कर लेता हूँ, तो एक तो इस डायग्राम में पहले देखना पड़ेगा कि 3-5 की आईसी है कौन सी, देख लेते हैं एक बार, क्या नंबर है इसका, मेरे ख्याल से 51225 होनी चाहिए, नहीं है, तो चलते हैं एलडीओ कॉपी करेंगे, एलडीओ कॉपी कर लेते हैं, ये है एलडीओ हमारे बोर्ड में,
ये तो बता ही देगा। आईसी कौन सी लगी है? RT 6575, ठीक है, 5X हो सकती है ये IC, बट मुझे एक बार चेंज करने दीजिए, आप भी देख लीजिए। आईसी का स्टॉक होना भी ज़रूरी है, नहीं तो फिर काफ़ी मुश्किल होती है रिपेयर करने में। अरे छोड़ो यार, 16 ही मिल रही है, 16 तो रैम आईसी है। ट्वेंटी 24, ये भी रैम है, ML, VCCIN ऑक्सिलरी 3T, ये क्या है? 51, 225 लगा रहा हूँ मैं, जबकि यहाँ तो नहीं कह रहा कि 225 है, बट मैं लगाता हूँ इसमें। पता नहीं ठीक भी है कि नहीं, शक्ल से तो मुझे ठीक नहीं लग रही है। ठीक है, लग गई है। अब जरा देखते हैं कि कुछ, चूंकि वो जो मैंने बताया कि एक्सपोनेंशियल फॉल डाउन, वो बिल्कुल आईसी से भी हो सकती है और कैपेसिटर से भी हो सकता है। अब लोग पावर डालते हैं, तो लोड तो 104, फिर गर्म हो रही है क्या? नहीं, गर्म नहीं हो रही है, अब ऑन हो गया है, पहले गर्म हो रही थी बहुत तेज, गरम तो अभी भी है। देख लेते हैं कि कुछ फायदा हुआ है, तो हम लोग चेक कर रहे हैं वही 3-5, 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, डिफरेंस क्या हुआ? पहले जो आईसी लगी हुई थी वो आईसी हो सकता सपोर्ट नहीं कर रही थी या खराब हो गई थी, और लोड इतना ही उठा रहा था, 3-5 गर्म हो रही थी। अब अभी तो चूंकि हीट मारा है बहुत तगड़ा, और इतनी गर्मी है अभी, 36 डिग्री तो यहीं पर दिखा रहा है, गर्म नहीं हो रही है, ठीक है, 3-5 ऐसी गर्म नहीं हो रही है, और आपका 3-5 बन गया है, क्लियर, 3-5 बन गया है, तो आगे भी कुछ काम हो गया होगा। अभी तो ये ट्रिगर ही नहीं हो रहा था पहले, तो हमें लगा कि कैपेसिटर ख़राब है, बट कैपेसिटर तो ये अच्छा निकला, सही निकला, बाद में कभी यूज़ कर लेंगे। अब रही बात कि ये लोड इतना कम क्यों है, इतना तो पहले भी उठा रहा था, बट डिफरेंस समझ में आया, इतना उठा रहा था पहले, कुछ प्रॉब्लम थी 3-5 के एरिया में, और अब जो उठा रहा है 3-5, ये इसकी लोड है ऑन की, कि ऑन होने के बाद ये 5 वोल्ट और ये 3 वोल्ट प्रॉपर बना रहा है। तो अब रैम की वोल्टेज बनी है, वो भी चेक कर लेते हैं, 1.2 वोल्ट, DDR4 है, बन गई है रैम की, और तो 2.5 वोल्ट भी बन गई होगी, है ना। हम चेक कर लेते हैं कि S0 बन रही है क्या, तो ये है लोड स्विच, यहाँ पर ये देखिए 5, 3 की लेके आया है 3 वोल्ट, ये 3 के कॉइल से लगा हुआ है ना,
S5 की वोल्टेज 3 वोल्ट, इधर 5 की लेके आया 5 वोल्ट S5। अब इसकी अनेबल आएगी, 3 नंबर पर अनेबल आ गई दिख रहा है, और ऑट हो गई 5 वोल्ट और 3 वोल्ट S0। तो यहाँ तो S0 भी क्लियर है। अब मैं डायग्राम में दिखाता हूँ, U4001। इस डायग्राम में तो डायग्राम ही सेम नहीं है, U4001। पंखा घूमना स्टार्ट हो गया है, मिल गया। तो ये U4001 क्या है? रन पावर, देख गया। तो ये रन पावर आपकी काम कर रही है, इसका मतलब है कि SLP S3 भी आ चुकी है। ये चेक कराया मैंने 3 नंबर पिन पर, ये जब आ चुकी है तो S0 स्टेट में वोल्टेज पहुंच चुका है। तो S0 स्टेट में पहुंच चुका है तो फिर बचा क्या? कुछ नहीं, कोर कोर है, और क्या होगा? चेक करते हैं, तो 1 वोल्ट भी चेक कर ही लेते हैं क्या बन रहा है। ये है 1 वोल्ट की कॉइल, 1 वोल्ट भी बन रहा है, सही है। VCC SA ये भी बन रहा है, वाह क्या गया भाई, कोर ही नहीं है, कोर नहीं है। तो अब इसका मतलब है कि इसने जो बायोस किया है, इसने बायोस की वाट लगा डाली है, ठीक है, बायोस की वाट लगा डाली है। अब मुझे एक बार बायोस करना होगा, क्यों कर देते हैं बायोस? हालांकि अभी कोर IC मैंने देखी तक नहीं है, इसमें कौन सी कोर IC है अभी देख लूँगा, लेकिन चूंकि VCC ऐसे बन रही है इसलिए मैंने उधर देखा भी नहीं, क्योंकि ऐसे को कोर IC ही बनाती है, ठीक है। ये लगी हुई है कोर IC, और इसको जो बनाती है इसकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। इसका मतलब है ऐसे जब नहीं बन रहा होता है तब हम कोर की तरफ आते हैं, और ऐसे अगर बन रहा है तो फिर कोर भूल जाइए कि कोर की प्रॉब्लम चांसेस बहुत रेयर होती है। तो ठीक है, अब मैं निकालता हूँ सेम अब मैं निकाल रहा हूँ सेम बायोस, सर्च करता हूँ। ये आप लोग नहीं देख पाएंगे, मेरा ओरिजिनल डेस्कटॉप नहीं देख पाएंगे आप लोग। 15277-1 इसकी बायोस है मेरे पास, ठीक है, टेस्टेड क्लियर मी रीजन, सही है। और लगेगी क्या? 25Q64FV लगेगी। इसमें क्या लगी है? 25B64C गीगा डिवाइस लगी है, ठीक है, कोई बात नहीं, चलेगा। सॉरी गाइस। तो अब मैं आपके लिए थोड़ा सहूलत कर देता हूँ कि आप भी देख पाइए कम से कम। ये है मेरा प्रोग्रामर ऑन करता हूँ और इसको इधर लेके आ जाता हूँ, बायस भी इधर ही लेके आ जाता हूँ। ठीक है, चलिए आ जाइए डेस्कटॉप पर आप लोग। तो ये बायोस है और ये मेरा प्रोग्रामर है, तो इसको मैं रन कराता हूँ। तो डिवाइस पर सेलेक्ट करता हूँ, ये यहाँ पर मेरे पास सोफी प्रोग्रामर है, सोफी SP8, ठीक है, SBOD ऑफिस में रहता है। तो इसमें लिखा है 25B64, बस यही प्रॉब्लम है कि इसमें लिखना पड़ता है मुझे 25B64C, ये नंबर है, ओके। और बैकअप ले लो क्या? ले लेते हैं, रीड करा लेते हैं एक बार, कुछ कुछ है ही नहीं, बायोस रखा ही नहीं है, बायोस भी रख लेते हैं। प्रोग्रामर के ऊपर बायोस नहीं रखेंगे तो फिर प्रोग्राम किसको करेगा ये, ठीक है। तो ये हमने रिट्राई किया, तो ये बैकअप ले लेते हैं ताकि कल को वो बंदा बोले कि इसमें कुछ था, मेरा ओरिजिनल था, ये था वो था। ये मेरे साथ बहुत आजकल हो रहा है, कस्टमर बोलते हैं कि मेरा बायस दो मुझे, ठीक है। तो इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, सेव फाइल लिख लेते हैं LV सेव। तो LV के नाम से हमारा ये सेव हो गया।
ये दिखेगा नहीं आपको, सेव हो चुका है। लोड, लोड क्या करेंगे, एलवी, ये जो मैंने बायोस रखी है इसको ओपन करेंगे और ऑटो पर चले जाते हैं और ऑटो स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरी क्लियर करके रखी हुई है बायोस, और इस बोर्ड में पता नहीं यहाँ पर भी कुछ बंदे ने काम कर रखा है, आपको भी दर्शन करा देता हूँ मैं। ये देखिए, पता नहीं यहाँ पर इतना सारा पेस्ट क्यों है, कुछ तो कर रहे थे इस आईसी को, ये पता नहीं क्या कर रहे थे, बहुत जगह खेला है इन्होंने। चलिए क्या है ये, अच्छा ये है जो ग्राफिक आईसी है उसकी, ये ग्राफिक कोर है, ठीक है, ग्राफिक कोर आईसी है ये, कोई बात नहीं। अब हम लोग बायस लगा लेते हैं, बायस अभी प्रोग्राम हो ही रहा है। ठीक है, घंटी बज गई, निकालिए बायोस और इधर आइए और चेक करिए कि चलता है कि नहीं। देखिए, एक बार मेहनत किया हुआ है, बायोस बनाया हुआ है आपका, तो फिर कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। तकलीफ कब होती है, जब कुछ सीरियल नंबर वगैरह का इशू आता है, तब हमें ओरिजिनल बायोस चाहिए होती है। जैसे किसी का आधार से लिंक है लैपटॉप, या किसी सरकारी दफ्तर में है, मैट्रिक्स वगैरह लोड हो रखा उसमें, तो उसमें आपको सेम लैपटॉप चाहिए होता है। अगर आप बायोस चेंज कर देते हैं तो इट विल बी कंसीडर्ड कि लैपटॉप चेंज किया हुआ है, ठीक है। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी बायोस कर रहे हो बैकअप ज़रूर ले लीजिए, अच्छा हो ख़राब हो रख लीजिए। कल को कुछ होता है तो आप बता सकते हैं कि भैया इसमें जो भी बैकअप था वो मेरे पास इस नाम से सेव है। तो बायस हमने लगा दी है, लेकिन ये एकदम कमाल की बात हुई कि पहले जो है शॉर्टिंग का लोड आ रहा था सेम, और अभी ऑन होने का लोड आ रहा है सेम। पहले 3.5 नहीं बन पा रही थी, 1 वोल्ट बन रहा था, और पावर लगाया हमने, बोर्ड कंप्लीट ऑन, ठीक। अब इसमें हम लोग डिस्प्ले चेक करेंगे, देखा यही होता है। मेरे साथ तो कम से कम ये होता ही है कि बंदे ने बोर्ड भेजा, बोर्ड में जो प्रॉब्लम थी वो कुछ और थी और निकलता कुछ और है, यानी प्रॉब्लम पैदा की हुई कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होती है। यानी एक्चुअली जो प्रॉब्लम आती है लैपटॉप में वो ज़्यादा नहीं आती है मेरे हिसाब से, ठीक है, उसको बनाया जाता है। जैसे अभी ये बता रहा हूँ कि ये बायोस कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये सब तो पैदावार है, मतलब प्रॉब्लम का को कैसे पैदा किया जाता है आप ये सीखिए। चलिए अब हम लोग इसको पावर लगाते हैं और बोर्ड ऑन हुआ, लोड देखिए 586 587। तो देखिए 110 बना रहा था, तो मैंने आपको चेक कराया कि डिस्प्ले आया क्या, मुझे तो नहीं दिखा, रैम तो लगाया नहीं, डिस्प्ले कैसे आ जाएगा। अच्छा इसमें तो ऑनबोर्ड रैम है, इससे अच्छी बात क्या होगी, ये देखिए ऑनबोर्ड रैम है, अरे एक स्लॉट भी है, ठीक। तो अगर ऑनबोर्ड रैम नहीं काम करेगा तो उसको डिसेबल करना पड़ेगा। चलिए एक बार फिर से फाइनली मैं एक बार ध्यान दे देखता हूँ मैं क्या डिस्प्ले आता है या नहीं। तो एक बार रीस्टार्ट तो होगा, सीमोस से नहीं लगा हुआ है, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार हो सकता है, और आई होप कि डिस्प्ले आ जाएगा, क्योंकि ये बायस मेरी वो बायस होती है जिससे मुझे पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती है, और ये डिस्प्ले आ चुका है। तो देखा आपने कि एक्सपोनेंशियल फॉल्ट डाउन होता है समटाइम,
कैपेसिटर की वजह से होता है, वो तुक्के में निकाला, तुक्का कभी काम नहीं करता है, ये बात भी मैंने आज प्रूव कर दिया आप लोगों को। लेकिन कैपेसिटर में थोड़ा सा हो जाता है, क्योंकि कैपेसिटर में ऐसी चीज़ें होती है कि ना आपका ओपन पता चल रहा है, ना ही आपको शॉर्टिंग उसमें पता चलेगी। जब खास तौर पर वो लीकेज होगा तो वो आपको इस तरह का दर्शन देगा, ये इस तरह से आपको दिखाएगा, तो इसमें आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि कहाँ से प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम समटाइम फिट की वजह से भी होती है, बट एरिया डेडिकेटेड है कि 3-5 के आईसी के पास से ही है, या तो वो 3-5 की आईसी होगी, या कैपेसिटर होगा, या मॉसफेट होगी। इसका डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको तभी पता चल पाएगा जब आप हमसे सीखेंगे कि कितना सारा चीज़ हो सकता है, ग्लिच क्या होता है, रिपल क्या होता है, फीडबैक से कैलकुलेशन कैसे निकालते हैं, वगैरह वगैरह, ये आपको सिखाया जाएगा। तो अगर आपको, आप इंटरेस्टेड है अगर हमसे कोर्स करने में, तो आपको जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहा है, आप इस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप हमें प्यार करते रहिए, और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले केस स्टडी में। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।